इसराइल अडेसानिया यूएफसी 305 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेवजह छोटी सी बात के ऊपर रोने लग गए थे। अब ड्रेकस डुप्लेसी जो उनके अपोनेंट है और जो करंट यूएफसी मिडिलवेट चैंपियन है, वो अब उनके मजे ले रहे हैं। वो ट्वीट के ऊपर ट्वीट किए जा रहे हैं फाइट से पहले कि यार ये जो तुम्हारे आंसू हैं ये फाइट के बाद के लिए बचा के रखो, और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जिसको लेकर कि तुम अभी रोना धोना मचा रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर यूएफसी को देखना पसंद करते हैं, यूएफसी के फाइट फैंस हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जब डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, वरना आपको पता नहीं लगेगा। तो चलिए, ये मामला तब शुरू हुआ जब यूएफसी 305 में अपने स्ट्रगल को, अपने करियर को लेकर, एक छोटे से कमेंट को लेकर इसराइल अडेसानिया इतने हर्ट हो गए कि वो टेसुए बहाने लगे, यानी कि रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और वो काफी इमोशनल भी लग रहे थे। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर गए तो उन्होंने पंच भी किया टेबल के ऊपर, और जिस तरीके से वो उठकर गए साफ साफ ये दिख रहा था कि ही इज वेरी इमोशनल टुवर्ड्स दिस फाइट। लेकिन आप किसी भी फाइट के कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके वीकनेस को शो करता है। अब देखिए, किसी भी फाइट को जब आप अप्रोच करते हैं तो इमोशंस को साइड में रख के प्रॉपर गेम प्लान के साथ उतरना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑड मेकर्स हैं, जो बुक मेकर्स हैं, उन लोगों ने भी ये बात जो है पूरी नोटिस की, और जहां पर पहले 3-1 फेवरेट थे इसराइल अडेसानिया, अब -115 फेवरेट है, यानी कि बिल्कुल क्लोज जो है फेवरेट है। अब यहां पर इसराइल अडेसानिया को लेकर बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं ड्रेकस डुप्लेसी, और उनका कहना ये है कि यार इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम रोने लग गए, और जब तुम फाइट के अंदर मेरे खिलाफ मुझसे लड़ने आओगे तब तुम्हारा हाल क्या होगा, ये आंसू तब के लिए तुम बचा के रखो, या फिर जो पोस्ट फाइट प्रेजेंटेशन होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें अगर तुम्हारी हिम्मत हुई आने की तब के लिए ये आंसू जो है बचा कर रखो, अभी से तुम रोने लग गए तो तुम हारने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओगे, जब मीडिया को फेस करोगे, तब तुम्हारा हाल क्या होगा। तो ये सारी बातें ड्रेकस डुप्लेसी को बोलने का मौका किसने दिया, ये सारी बातें बोलने का मौका दिया है इसराइल अडेसानिया ने, क्योंकि अगर वो ऐसा बिहेव ना करते, मैच्योरली बिहेव करते और कॉन्फिडेंस शो करते, तो ना तो वो ट्रोल होते दूसरे लोगों से, ना वो ट्रोल होते अपने अपोनेंट ड्रेकस डुप्लेसी से। आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक केयर, ख्याल रखिए।